नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। मैं पंछी आप लोगों को मेरे चैनल पिंक पंछी को स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे टेस्टी फ्रॉग। आज हमने लाए हैं रिवर का फ्रॉग, बहुत टेस्टी होता है। आज हम बनाएंगे रिवर फ्रॉग का फ्राई, और इसको बोलते हैं रिवर फ्रॉग का कसर। आप जो बोल सकते हैं बहुत टेस्टी होता है। आप आइए दोस्तों, बनाते हैं और टेस्टी फ्रॉग का मजा लेते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो न्यू रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्त, आज मजा लेते हैं रिवर फ्रॉग का फ्राई। एक बार खा ली तो चाट बढ़ जाएगा दूसरी बार खाने के लिए, इतना टेस्टी होता है। इसमें भर भर रस होता है। रसीले रिवर फ्रॉग का फ्राई बनाते हैं और उसका मजा लेते हैं। हमने मसाला के लिए हमने यहाँ पर कटा हुआ प्याज लिए हैं, अदरक लिए हैं, लहसुन लिए हैं, लाल मिर्ची लिए हैं, 1 टेबलस्पून जीरे लिए हैं, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर लिए हैं और कुछ टुकड़े दालचीनी लिए हैं। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। जाते जाते एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बड़े बड़े फ्रॉन लिए हैं, इसको अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। अब इसको मैरिनेट करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मसाज कर लेते हैं, मतलब मैरिनेट कर लेते हैं। आइए दोस्तों, इसको फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल ले रहे हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब तेल में फ्रॉन को डालेंगे। अब इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। करने के बाद अब इसको 5 मिनट तक कवर कर लेते हैं। फ्रॉन से पानी निकल रहा है, वही पानी से हमें फ्रॉन को पकाना है, बॉईल करना है। देखिए फ्रॉन से फ्रॉन का रस निकल रहा है, पानी तो सूख जाएगा, उसका रस रह जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा रेड रेड दिख रहा है, वही उसका रस है। अब इसको कवर कर लेते 5 मिनट तक। देखिए हमारा टाइम हो गया है मसाला डालने का, अब मसाला डाल रहे हैं। अब इसी मसाले में हमें इसको फ्राई करना है। आप लोगों को पता होगा, लोग पहले मसाला को फ्राई करते हैं देन फ्रॉन को डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, इसलिए हम फ्रॉन को डाल दिए। हमने पहले फ्रॉन को फ्राई कर लिए है ऑयल में, देन मसाला को डाल रहे हैं। मसाला में इसको फ्राई करेंगे तो इसका डिफरेंट टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। हमने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के मुताबिक नमक डाल रहे हैं मसाले के लिए। हमने पहले मैरिनेट करने के लिए फ्रॉन में मसाला डाले थे, हल्दी, नमक और लाल मिर्ची पाउडर, लेकिन हम मसाला के लिए आप डाल रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा फ्राई करते हैं। देखिए हमारा पानी भी सूख गया है, अब इसको थोड़ी देर तक कवर कर लेते हैं। देखिए मसाला भी बन गया है, अब इसी मसाले में हमें इसको फ्राई करना है। अब टाइम हो गया है सूखे मसाला के लिए। हम यहाँ पर चिकन मसाला के पाउडर यहाँ पर डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून। दोस्तों हमने यहाँ पर सिर्फ चिकन मसाला का यूज़ किए हैं, बहुत टेस्टी है। आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर गरम मसाला नहीं डाले हैं। हमें जो बनाना है रसीले फ्रॉन फ्राई, इसलिए हमें इसको सूखे मसाला में अब इसको फ्राई करेंगे। आइए दोस्तों फ्राई करते हैं। देखिए हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। ये फ्रॉन में बहुत रस है, इसीलिए हमने इसको रसीले फ्रॉन दिए हैं, बनाए हैं। ये ग्रेवी में भी उसका रस भरा है, आप इसको खाइए, बहुत अच्छा है। आप इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, आप इस तरह बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी है। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।